Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa habibana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira amma ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم जीवकार मुक्तदर अकाबिर उलमाए किराम, आज के इस अज़ीम उशान तारीख साज इजलास के सदर बावकार, हमारे सूबे झारखंड के बहुत ही मायानाज आलिमे दीन, बेपनाह सलाहियतों के मालिक जामिया इल्म व इरफान हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती अनवर साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, काजी शरीयत इमारत शरिया रांची झारखंड, जिनकी सदारत में आज का ये इजलास मुनक़िद हुआ। स्टेज पे रांची और अतराफ के अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हज़रत काजी साहब बहुत जामे जलसे के उनवान की मुनासबत से खिताब फरमा चुके और मेरे बाद हिंदुस्तान का शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, जिनकी खिताबत सुनने के लिए आप यहाँ पर असलन जमा हुए हैं, उनका खिताब होना है। दरमियान में थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। नौजवानों का मजमा ज़्यादा है, इसलिए ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से मुखातब हूँ। कुर्सी में भी नौजवान बैठे हुए हैं और सामने भी नौजवानों का मजमा है। चूँकि जलसा तामीर मस्जिद तौसीय मस्जिद के उनवान से मुनक़िद हुआ है, मस्जिद की तामीर की बड़ी फजीलत है, उस पर ज़रूर रोशनी डाली जाएगी, लेकिन साथ में मैं उससे पहले ये कहूँगा कि मस्जिद कि असल तामीर असल आबादी जो है वो है नमाजियों से। मस्जिद आप ये इरादा करें तामीर व तौसी से पहले कि नमाज के ज़रिए से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाल्लाह, और इससे पहले नमाज सीखने की भी ज़रूरत है। चार नौजवान तफरीह के गर्ज से निकले, इत्तेफाक से नमाज का वक्त हो गया तो उसमें से एक नौजवान
जो नमाज पढ़ा करता था उसने बाकी तीनों से कहा कि नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ लीजिए, लेकिन मस्जिद में पढ़ते हैं तो वहां इमाम साहब पढ़ाते हैं, यहां कौन पढ़ाएगा। आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो जिस नौजवान ने नमाज की दावत दी थी कहा कि तुम ही पढ़ा दो, कहा चलो मैं ही पढ़ा देता। नमाज शुरू हो गई, पहली ही रकात के लिए अभी नियत बांधे ही थे, पहले ही रकात में थे, नहर के किनारे नमाज पढ़ रहे थे, अचानक नहर में एक मछली जो है वो तड़प गई। अब मछली का तड़पना के पीछे से एक नौजवान ने आवाज दे दिया कि बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली है। तो दूसरे नौजवान ने कहा कि तुमको मसला मालूम नहीं है, नमाज में बोलना नहीं, नमाज में बोलना नहीं है। तो तीसरे ने कहा कि मेरी नमाज हो गई इसलिए कि मैंने नहीं बोला। तो इमाम साहब जो थे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तुम में से किसी की नमाज नहीं हुई, सिर्फ मेरी नमाज हुई, मैं खामोश हूं। सबसे पहले जरूरत है कि हम तय करें कि इंशाअल्लाह मस्जिद को हम आबाद करेंगे नमाज के जरिए से, सजदे के जरिए से, कुरान करीम की तिलावत के जरिए से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हुसैर के तमाम जिम्मेदारों को और यहां के नौजवानों को, और बिलखसूस मस्जिद आयशा, जिस मस्जिद की तामीर व तौसी का ये प्रोग्राम मुनद्दिद हुआ है, उस मस्जिद आयशा के तमाम मुंतजमीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस गए गुजरे दौर में, फितनों के दौर में, जिस दौर में दुश्मनाने इस्लाम की निगाहों में ये मस्जिदें खटक रही हैं, ये मदारिस इस्लामिया जिस दौर में दुश्मनानों की निगाह में ये खटक रही हैं, इस दौर में मस्जिद की तामीर और मस्जिद की आबादी की फिक्र करना और तामीर मस्जिद के उनवान से इजलास का इनेकाद करना ये बड़ी अच्छी बात है, ये खुश आइन बात है, और इसके लिए दीनी जलसा मुनद्दिद करना, उलमाए किराम को मदु करना, अकाबिरीन को मदु करना, दीन की बात सुनने के लिए जमा होना, दीन की बात कहने के लिए उलमा को बुलाना, ये नेक फाल है, ये खुश आइन बात है। इसलिए कि जब दीन के बात कही जाती है, जब दीन की बात सुनी जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हिदायत के फैसले उतरते हैं। मस्जिद ये अल्लाह का घर है। और मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस रूए जमीन में सबसे पहले जो मस्जिद बनी, सबसे पहला अल्लाह का घर जो है वो काबतुल्ला शरीफ है। इस रूए जमीन पे सबसे पहला घर अल्लाह का घर वो काबतुल्ला शरीफ है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलाम के जरिए से और फरिश्तों के जरिए से सबसे पहले जिसकी तामीर कराई, फिर हजरत शीश अलैहि सलाम के जरिए से उसकी दोबारा तामीर हुई, और फिर तूफान नूह में जब तूफान नूह आया उसके बाद जो है हजारों साल गुजरने के बाद अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु व तस्लीम और उनके फर्जंद अर्जुमन हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के जरिए से दोबारा अल्लाह के घर की तामीर हुई, खाना काबा की तामीर हुई, वो काबतुल्ला शरीफ जो पूरी दुनिया का मरकज, जो पूरी दुनिया का महवर, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज, जिस काबतुल्ला शरीफ के तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान रुक करके नमाज अदा करते हैं, वो काबतुल्ला शरीफ जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का तवाफ का, पूरी दुनिया और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान जो है अपने अपने घरों से निकलते हैं अल्लाह के घर की जियारत के लिए, काबतुल्ला शरीफ की जियारत के लिए, वहां पर पहुंच करके दोगाना नमाज अदा करते हैं, तवाफ करते हैं, हजरे असवद को बोसा देते हैं, मुल्तजम से चिमटते हैं, कभी सफा और मरवा के दरमियान सही करता नजर आते हैं, कभी वुकूफ़ अरफा, कभी वुकूफ़ मुज़दलिफा, कभी वुकूफ़ अरफा, वो बैतुल मुकद्दस, वो अल्लाह, वो बैतुल्ला शरीफ, वो अल्लाह का घर जो पूरी दुनिया का महबर,
पूरी दुनिया का मरकज बना रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका नक्शा खींचा है। जरा तवज्जो कीजिए, उस वक्त का नक्शा अल्लाह ने कलाम मुकद्दस में यूं खींचा, व इज यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। याद करो उस वक्त को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें उठा रहे थे और उनके साथ इस्माइल भी थे। याद करने की क्या बात है, याद किस चीज को किया जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमा रहे थे अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम और उनके फरजंद हजरत इस्माइल। याद करने की बात क्या है, किस चीज को याद किया जाए? मैं समझता हूं आज ये पूरा मजमा इस नुक्ते को नोट करे, जो तामीर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हैं वो भी खुसूसियत के साथ इस बात को सुने। याद करने की क्या बात है, अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, याद करने की बात यह है, अल्लाह जिस चीज को याद दिलाना चाहते हैं वो ये कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे, उसकी दीवारों को उठा रहे थे, उनके साहबजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह उनके साथ इस अमल में शरीक थे, उस वक्त उनकी जुबान पर क्या जुमला था, उस वक्त उनकी जुबान पर क्या कलीमा था, वो याद करने की चीज है। उस वक्त उनकी जुबान पे जो कलीमा जारी था, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तूने तौफीक दी, तेरी ही तौफीक से तेरे घर की तामीर किया। ऐ बारे इलाहा, रब्बना तकब्बल, ऐ परवरदिगार आलम आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे दोस्तों, इतना अजीम शान काम, इतना अजीम शान काम, अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ जो पूरी दुनिया का मरकज बन रहा है, पूरी दुनिया का मर्जा, आलम इस्लाम के मुसलमानों का तवाफ का, वो अजीम शान काम अंजाम दे रहे हैं और उनकी जुबान के ऊपर क्या जुमला जारी है, क्या कलीमा जारी है, क्या इतना अजीम शान काम अंजाम देने के वजह से उनके जहन में, उनके अमल से, उनके किरदार से, उनकी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज जारी हुआ जो ये बताए कि उनकी जुबान से बड़ाई किब्र का शायदा तक हो, उनकी गर्दन अकड़ी हुई हो, जी नहीं, इतना अजीम शान काम अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह से दस्त बदुआ है, ऐ परवरदिगार आलम आपने तौफीक दी, आप ही की तौफीक से ऐ अल्लाह इतना बड़ा काम अंजाम दिया, ऐ परवरदिगार आलम आप इसे कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह आप हमारे जानिब से इसे कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह आप सुनने वाले और आप जानने वाले हैं। मैं तमाम रांची और हुसीर के जिम्मेदारों को और नौजवानों को यहाँ से ये पैगाम दूंगा, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, आपको अल्लाह ने ये सआदत बख्शी अल्लाह के घर की तामीर की, आप अल्लाह के घर की तामीर में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आप तआवुन अभी करेंगे, आप इस काम के लिए जो मुमकिन हो सकेगा आप इसमें अपना हिस्सा लेंगे, लेकिन आपके दिल में, आपकी जुबान पर, आपके जुबान पर और आपके दिल में हमेशा जो है अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा सामने हो, अल्लाह को खुश करने के वास्ते, दिखलाने के वास्ते नहीं, आपकी नीयत के अंदर नमू ना हो, आपकी नीयत के अंदर किसी तरह की बड़ाई ना हो, आपकी नीयत के अंदर किसी तरह का किब्र नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इखलास। ये अमल है अल्लाह तेरे वास्ते, अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, तेरी रजा के वास्ते अल्लाह तेरे घर की तामीर कर रहे हैं। ए मौला, अगर तूने इसकी सआदत बख्शी है तो अल्लाह तू उसे कबूलियत भी अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। और आगे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ में कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम हमें फरमा बरदार बना दीजिए, ऐ अल्लाह हमें ताबेदार बना दीजिए और हमारी औलाद को भी ऐ अल्लाह ताबेदार बना दीजिए, मुतीअ बना दीजिए, फरमा बरदार बना दीजिए,
कितना बड़ा सबक इससे हमें मिलता है, कितनी बड़ी हमारे लिए इसमें कितना बड़ा सबक है। हर आदमी जो है उसकी जुबान पे ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह तूने तौफीक दी, तेरे घर की तामीर हो गई, अल्लाह हमें फरमा बरदार भी बना दीजिए, अपने हुक्म के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह तेरे फरमान के मुताबिक मेरी जिंदगी गुजरे, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा मुस्कुराना, मेरा कारोबार, मेरी तिजारत, मेरी खुशी की महफिल, मेरा गम की महफिल, मेरी जिंदगी, इस दिवाजी जिंदगी, मुआशराती जिंदगी, इंफिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, ए अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक हो जाए, तेरे मंशा के मुताबिक हो जाए, तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक मेरी जिंदगी आ जाए, ए अल्लाह हम फरमा बरदार हो जाए, ताबेदार हो जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह हमें अपना ताबेदार बना दीजिए और हमारी औलाद को भी, और आगे फरमाते हैं और हमें वह अरिना मनासिकना, अल्लाह मस्जिद तो बन गई, अब हमें इबादत का तरीका भी सिखा दीजिए, इबादत का तरीका भी सिखा दीजिए। अरे मौला इबादत में अगर गलती हो जाए, अल्लाह अगर हमसे कोई कोताही हो जाए, अल्लाह अगर कोई कमी हो जाए, वारिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ए मौला करीम अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कमी हो जाए, अल्लाह आपके यहाँ अल्लाह माफी चाहते हैं, तौबा करते हैं सिद्क दिल से, अल्लाह गिड़गिड़ा करके आपके बारगाह में अल्लाह दस्त बदुआ है, अल्लाह उसे माफ भी फरमा दीजिए। मेरे दोस्तों इसमें हमारे लिए और हम सब के लिए इस तामीर मस्जिद के मौके पर हमें ये सबक मिलता है, हमारी नीयतें दुरुस्त होनी चाहिए, इखलास नीयत के साथ हम ये अमल करें। तो मैंने ये गुफ्तगू यहाँ से शुरू की कि इस रूए जमीन पे सबसे पहले अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ, और उसके बाद इस रूए जमीन पे दूसरा अल्लाह का घर बैतुल मुकद्दस, बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा जिसको कहते हैं, वो मस्जिद अक्सा जिसकी बाजियाबी के लिए आज फिलिस्तीन के मुसलमान, आज जिसकी बाजियाबी के लिए हमारे भाई आज मुजाहदा कर रहे हैं, बच्चे जो है वो यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, वहां की एक एक फोटो एक एक वीडियोस आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आपका दिल दहल जाता है, वो बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबला अव्वल है, क़िबला अव्वल है जिसकी तामीर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कराई, बाद में जिसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसकी तामीर कराई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत बैतुल मक़द्दस की तामीर फरमा रहे हैं, करवा रहे हैं जिन्नातों के जरिए से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी पे मामूर हैं, निगरानी कर रहे हैं और जिन्नात लोग काम कर रहे हैं। इसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आ जाता है, फरिश्ते मौत आपकी खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज करता है अब आपको जाना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मस्जिद का काम चल रहा है, ये मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और ये जिन्नात जो मस्जिद की तामीर में मसरूफ है मेरे जाने के बाद ये काम नाकिस रह जाए, ये मेरे डर और खौफ से ये काम अंजाम दे रहे हैं, मेरे जाने के बाद कहीं ये काम ना करें और फिर ये काम नाकिस रह जाए। कहा कि नहीं नहीं अब मोहलत तो नहीं मिल सकेगी, अलबत्ता ये हो सकता है आप किसी आशा के ऊपर किसी लकड़ी के सहारे आप खड़े हो जाए और आपकी रूह कब्ज कर लिया जाए और आप उसी तरीके से खड़े रहे। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ चली गई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के सहारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगा करके और बैठ गए, टेक लगा कर खड़े रहे। जिन्नात लोग अपने तामीरी काम में लगे रहे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिन्नात पीछे मुड़ करके देखते थे, पीछे मुड़ करके देखते थे तो उनको ये पता चलता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अभी निगरानी फरमा रहे हैं, तो फिर वो काम के अंदर लग जाते। जब बैतुल मक़द्दस की तामीर जब मुकम्मल हो गई, मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो
गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म हुआ कीड़े मकोड़ों को, घुन को, कि लकड़ी में घुन लग जाए, और वो लकड़ी गिरी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक गिरा, और उसके बाद जिन्नातों को मालूम हुआ, और उसके बाद जिन्नातों ने जाना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। इससे ये भी मालूम हुआ, जिसको कुरान ने बयान भी किया है, कि जिन्नातों को इल्मे गायब नहीं, अगर जिन्नातों को इल्मे गायब होता तो उन्हें पहले पता चल जाता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। बहरहाल ये मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मुकद्दस, जिसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की, मेरे दोस्तों आज वही मस्जिद अक्सा हमारे तरफ निगाह उठा करके देख रही है। वो मस्जिद अक्सा आज जो यहूदियों के कब्जे में, वो मस्जिद अक्सा जो यहूदियों के नजदे में है, यहूदी अपनी साजिश के तहत जो है जिसको मुनहदिम करना चाहते हैं, आज उसकी बाजियाबी के लिए वहां के हमारे कलमा को भाई मुजाहिद हिम्मत कर रहे हैं, हौसला कर रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आपको तारीख अपनी मालूम होनी चाहिए, आपको अपनी तारीख मालूम होनी चाहिए। ये यहूदी ये कौन लोग हैं, ये कौन सी कौम है? ये वही लोग हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं थी, ये साहिली रास्ते से जो है फिलिस्तीन के अंदर आए और इनको वहां पर पना दिया गया, इनको रहने का वहां पर मौका दिया गया। उस वक्त ये सहयोनी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, उस जमाने में 100 साल पहले की बात है, सहयोनी पहाड़ पर चढ़ करके इन लोगों ने आपस में मशवरा किया। क्या मशवरा किया? मशवरा किया, आज हम जलील है, आज हम हार है, आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, आज हमारी कोई हैसियत नहीं है। कैसे हमारी हैसियत बनेगी, कैसे समाज में हमारी वक्त बढ़ेगी, कैसे हमारी सल्तनत बनेगी, कैसे हमारी हुकूमत कायम होगी? पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, नौजवानों तारीख सुनो, पहाड़ के ऊपर चढ़ करके इन्होंने मशवरा किया, और मशवरे में ये तय किया कि सुनो, अगर ये चाहते हो कि दुनिया में हमारा इख्तदार हो जाए, अगर ये चाहते हो कि समाज में हमारी इज्जत हो जाए, अगर ये चाहते हो कि हमारे हाथ में सल्तनत का बागडोर आ जाए, तो कलम और किताब को लाजिम पकड़ना पड़ेगा, कलम और किताब को लाजिम पकड़ना पड़ेगा। ये सहेलियों ने पहाड़ के ऊपर बैठ करके मशवरे से ये तय किया, 100 साल तक के इसके ऊपर इन्होंने अमल किया। कलम और किताब को इन्होंने मजबूती के साथ पकड़ा, कलम और किताब को पकड़ा, और आज इसका ये नतीजा है। तादाद कितनी है यहाँ? दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, हमसे ज्यादा आलमी निगाह, न्यूज पे निगाह रखने वाले लोग बैठे हुए, पूछिए उनकी तादाद कितनी है। उनकी तादाद 1 करोड़ से कुछ ज्यादा, पूरी दुनिया में उनकी तादाद सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा। और हमारी तादाद कितनी है? 1 अरब 40 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा आलमे इस्लाम में मुसलमान मौजूद है। लेकिन आज 1.25 करोड़ मिलकर के उस 1 करोड़ को लगाम लगाने की पोजीशन में रही। वो 1 करोड़ जो पूरे 1.25 करोड़, 1 अरब 40 लाख मुसलमान के बावजूद होने के बावजूद आज फिलिस्तीन के हालात क्या है, जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप सब न्यूज और इंटरनेट में आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं यहां से ये पैगाम देना चाहूंगा, आप तय करो कि कलम और किताब को लाजिम पकड़ना है। उन्होंने तय किया, 100 साल तक के इसमें मेहनत की। ये सामने ट्यूबलाइट है, ये हमारे मुबीन साहब जो ये साउंड का इंतजाम किए हुए, ये साउंड है, कंप्यूटर है, आपके हाथ में मोबाइल है। पूछिए किसने इसको बनाया, किसने इसे इजाद किया? कंप्यूटर किसने बनाया, किसने ये ट्यूबलाइट बनाया, किसने ये साउंड बनाया, किसने आपके हाथ में मोबाइल दिया? ये वही बनाने वाली, वही कौम है, वही बनाने वाली है। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि कलम और किताब को लाजिम पकड़े। ये वो नजीर, ये अब्तर, ये कमीने, लेकिन आज जो है इसके जरिए से पूरी दुनिया में इसकी हुकूमत है, वरना इसकी हैसियत क्या थी? आप तारीख पढ़िए, आज हमारे नौजवान जज्बाती है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आते हैं और जज्बात में जो है कमेंट कर देते हैं। मेरे नौजवानों सुनो, जज्बात से लिया हुआ फैसला कभी जो है कामयाब नहीं, जज्बात से लिए हुए फैसले से कभी कामयाबी नहीं मिलती, और जज्बात में कोई कमेंट करने से कभी आपकी हैसियत नहीं बढ़ सकती। आप अगर, आपको अगर दर्द है, अगर वहां के फिलिस्तीन के बच्चों से आपको मोहब्बत है,
अगर वहां के छोटे छोटे नन्हे बच्चों से मोहब्बत है, मैं पहले तारीख के झरोके से सिर्फ एक बात बताओ, आपके अंदर वो ईमानी कुवत कैसे पैदा होगी। आप तारीख पढ़िए, बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने वाले वो कौन थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। स्टेज पे मुअज्जज लोग बैठे हुए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, याद कीजिए वो रिजिनॉल्ड जो इंग्लिस्तान का शहजादा था, जिसने हज पे जाने वाले काफले को लूट लिया था। हाजी लोग हज पे जा रहे थे और वो इंग्लिस्तान का वो बदबخت शहजादा जिसने उस काफले को लूट लिया, और जब काफले वालों ने कहा कि हज पे जा रहा हो हमें जाने दो, तो उस कमबख्त उस मलून ने ये कहा था, ऐना मोहम्मद, कहां है तुम्हारे मोहम्मद, बुला लाओ उसको, वो तुम्हें छोड़ा दे। उस बदबخت ने ये कहा था, कहां है तुम्हारे मोहम्मद, बुला लाओ वो तुम्हें छोड़ा लाए। जब ये आवाज सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान से टकराई और सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम हुआ कि वो रिजिनॉल्ड उस कमबख्त ने ये कहा है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये तय किया कि अब हमें सोना नहीं है, हमें सोना नहीं है। तकरीबन तारीख में है कि पौने दो साल तक के वो सोए नहीं, पौने दो साल तक के वो तख्त पर चारपाई पर लेटे नहीं, और वो तैयारी करते रहे कब उस कमबख्त को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। और पौने दो साल की तैयारी के बाद जब वो उस मकाम के ऊपर पहुंचे, पौने दो साल की तैयारी के बाद जब वो उस मकाम को उन्होंने हासिल किया, वो इंग्लिस्तान का वो कमबख्त शहजादा भी लाइन में खड़ा था। एक नहीं, छह शहजादे खड़े थे। जब गिरफ्तार करके लाया गया, उसमें से एक को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा इसे कुर्सी दो, दूसरे को कहा इसको आप खोरा दो, इसे पानी दो, और फिर कहा कि जिसे हम कुर्सी देते हैं उसके लिए अमन है, जिसे हमने पानी दिया उसके लिए अमन है, उसे कुछ नहीं होगा। पांच को उसमें से माफ कर दिया, और उस कमबख्त बदबخت के सीने पे खंजर लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कमबख्त के सीने पर बैठ गए। किसी ने कहा कि बात समझ में नहीं आई हजरत, आपने पांच को माफ कर दिया तो आपने इस एक को क्यों नहीं माफ किया, आपने पांच को माफ कर दिया आपने इस एक को क्यों नहीं माफ किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी खंजर हाथ में लिए हुए जवाब देते हैं, ये कमबख्त वो कमबख्त है जिसने कहा था कि बुला लाओ मोहम्मद को, कहा है वो तुम्हारी मदद करेंगे। अरे कमबख्त मर्दूद, जो जैसे कमीने के लिए वो नहीं आया करते, उनका गुलाम तुझ जैसे कमीने के लिए काफी है। अरे कमबख्त तुम्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उनके आने की जरूरत नहीं, उनका गुलाम काफी है। मेरे दोस्तों तारीख अपनी पढ़िए, आज वो यहूदी कौम है, आज पूरी दुनिया में हुकूमत है। आज मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की, मैं नौजवानों से कह रहा हूं, आप तारीख पढ़िए, अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए। अगर वहां के बच्चों से आपको मोहब्बत है, सिर्फ एक बात तय कर लीजिए, सिर्फ एक चीज तय कर लीजिए आज से कि हम सच्चे मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। कहिए इंशाल्लाह, कसम खुदा की इससे बेहतर और कोई खराज तहसीन नहीं हो सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि हम सच्चे मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारेंगे, हमारी जिंदगी का एक एक अमल इस्लाम के मुताबिक होगा, हमारा जो मजहब है मजहब इस्लाम, इससे बेहतर और कोई मजहब नहीं। हमें इस मजहब जो अमन का मजहब, शांति का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम जिसने इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत की है, किसी भी धर्म का हो किसी मजहब का हो, हमारा मजहब नहीं सिखलाता किसी के साथ पैर रखना, हमारा मजहब नहीं सिखलाता किसी के जान और माल को नुकसान पहुंचाना। जी नहीं, ये मजहब इस्लाम का पैगाम नहीं है। मजहब इस्लाम अमन और शांति, प्यार और मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी का मजहब है। ये वो मजहब है जिसमें किसी इंसान के एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल बताता है। ये वो मजहब है, इस मजहब के अंदर जरा बराबर भी कहीं पर कोई कमी नहीं है। आप मजहब इस्लाम के मुतवाले हो, तय कर लो इंशाल्लाह हम आगे की जिंदगी इस्लाम के पक्के और सच्चे पैरोकार बन करके गुजारेंगे, सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारेंगे। हमारे सामने हजरत मौलाना नैयर इकबाल साहब, जो इस जलसे के लिए यकीनन जिन्होंने बड़ी मेहनत की, हुजूर से बड़ा ताल्लुक, नसीम भाई,
हमारे शकील भाई, खालिद भाई और यहाँ के जितने जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का मैं नाम लूंगा तो वक्त जाय होगा, यकीनन ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आइए मैं अपनी बात को अब समेटता हूँ। मैंने बात यहाँ से शुरू की, सबसे पहले अल्लाह का घर हरम बैतुल्लाह शरीफ, और फिर इस रूए जमीन पे दूसरा अल्लाह का घर मस्जिद अक्सा, और इस रूए जमीन पे नहीं बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनी, उस मस्जिद का नाम क्या है, मस्जिद कुबा। अभी हम उम्रे में गए थे मस्जिद कुबा, जिस मस्जिद की फजीलत यह है अगर दो रकत वहां नमाज पढ़ी जाए तो उम्रे का सवाब मिलता, एक उम्रे का सवाब। वो मस्जिद कुबा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मनवरा जा रहे थे तो 13 या 14 दिन तक के वहां पर आपने कयाम फरमाया था, उसी 13-14 दिनों के बीच में आपने वहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी और उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा। जो खद्दर तैयार हुआ था, आका खुद उसके नीचे उस खद्दर पे उतरे और पहला पत्थर आका ने रखा, और उसके बाद आका ने हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाया अबू बकर तुम भी एक पत्थर रख दो। तारीख ये बताती है आज किसी तामीर मस्जिद के लिए किसी बुजुर्ग को बुलाया जाए, किसी आलिम दीन को बुलाया जाए, ये सनद यहीं से मिलती है, क्योंकि मस्जिद कुबा की तामीर में आका ने खुद पहले अपना एक पत्थर आका ने रखा और अबू बकर सिद्दीक से आका ने फरमाया कि दूसरा पत्थर जो है वो तुम रख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूसरा पत्थर रखा, मस्जिद कुबा की तामीर हुई, आका मस्जिद नबवी, आप जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वो मकाम जहां पर अभी मस्जिद नबवी बनी है, आपको मालूम है कि वो यतीम बच्चों की वो जमीन थी, वहां खजूर सुखाई जाती थी, आका ने उस जमीन को पसंद फरमा लिया, क्योंकि वहीं पर बाजू में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान भी था। आका ने उस यतीम बच्चों को बुलाया और फरमाया ये बच्चों मेरा जी ये चाहता है कि यहाँ पर अल्लाह के घर की तामीर करें, यहाँ मस्जिद तामीर हो जाए, बच्चों ये जमीन अल्लाह के घर के लिए दे दो, जरा तवज्जो से सुनिए। तो बच्चों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल हमारे तरफ से खुशी खुशी इजाजत है यहाँ मस्जिद की तामीर हो और मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, ऐ मेरे आका मैं पैसे हम पैसे नहीं लेंगे, हम मुफ्त में दे रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बच्चों नहीं, मुफ्त में नहीं, ये पैसे लो, पैसे लो। मेरे आका ने मुफ्त में जमीन नहीं ली, क्यों, इसमें एक नहीं कई हिकमत है। आका अगर उस दिन मुफ्त में जमीन ले लेते तो शायद इस उम्मत के लोग ये कहते कि मस्जिद जो है वो खरीद करके बनाई नहीं जाती, मस्जिद के लिए जमीन मुफ्त ही में चाहिए, इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफ्त में नहीं ली। दूसरी बात यह है कि आका ने अपने जेब से पैसा अदा करके और कयामत तक आने वाले मुसलमानों को आका ने एक पैगाम दिया, कयामत तक आने वाले मुसलमानों को आका ने यह पैगाम दिया कि सुनो, जब कहीं मस्जिद की तामीर हो, जब कहीं अल्लाह के घर की तामीर हो तो अपने जेब से पैसा, अपनी जाती पैसा उसके अंदर लगाओ, ये अजर की बात है, इसमें बहुत सवाब है। और आका ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, जो अल्लाह का घर बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाए, जन्नत में महल तामीर फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद नबवी की तामीर फरमाते हैं। ऐ मेरे हुसीर और कुर्ब जवार से आए हुए नौजवानों, आपके जज्बात के अंदर ईमानी हरारत पैदा हो जाए, मैं सिर्फ मस्जिद नबवी की तामीर का मंजर बयान करके आपसे दरखास्त कर दूंगा। मेरे दाहिने तरफ शकील भाई बिल्कुल खड़े हैं और बाएं तरफ नसीम भाई बैठे हुए हैं और पीछे खालिद भाई और सुलेमान भाई बैठे हुए हैं और इनकी निगाहें मेरे तरफ है कि मौलाना साहब आज आपको तकरीर करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको कुछ और काम करने के लिए बुलाया है। लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी आज के दौर में किसी के जेब से कुछ निकालने के लिए कुछ कहना पड़ता है। आप धीरज रखें, आप जरा सा अपने दिल में आप इत्मीनान रखें, जो मकसद है इंशाअल्लाह मकसद में भी कामयाबी मिलेगी। और
अभी जलसों का सीजन नहीं है, आपने तो सर्दी में जलसा किया। जब रोजाना जलसे होते हैं तब हमारे ये मुसलमान फजर तक के रुक जाते हैं। आज तो हफ्तों बाद मेरे ख्याल से जलसा हुआ है, कौन ऐसा मुसलमान है यहाँ बैठा हुआ, इतना शानदार इंतजाम आपने कर दिया है। कौन वो नौजवान है जो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम का बयान सुने बगैर उठेगा? कौन है, जरा हाथ उठाइए तो। किसी ने हाथ उठाया जी? अगर हाथ उठाइएगा तो क्या होगा मैं बताओ। ये मस्जिद आयशा है ना नसीम भाई, इस मस्जिद के इमाम साहब एक रोज इत्तेफाक से घर चले गए छुट्टी लेकर। अब नमाज के लिए पहुंचे जोहर के वक्त, चंद नमाजी पहुंचे तो एक दूसरे के तरफ, जब इमाम साहब नहीं रहते हैं तो लोग देखने लगता है कि किसकी दाढ़ी लंबी है जो नमाज पढ़ा, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ये उसको देख रहे हैं वो उसको देख रहे हैं, नमाज कौन पढ़ाएगा? तो उसमें से जो थोड़ा सा जिनकी दाढ़ी लंबी थी, कहा जी नमाज तू ही पढ़ाएगा। कहना हमसे नहीं होगा, कहा अरे पढ़ा दीजिए। कहा चलो पढ़ा देते हैं, जोहर की नमाज पढ़ा दी, असर भी पढ़ा दी। अब मगरिब का वक्त हुआ, मौलाना को पता है कि जोहर और असर ये सिरली नमाज है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ना है, और मगरिब में जहरी। हजरत कारी सुहैब साहब माशाल्लाह, हमारे हजरत कारी अलीउद्दीन साहब के साहब दादे मोहतरम, कुरान करीम की तिलावत ऐसी फरमाते हैं कि बाबा हो जाता, तशरीफ रखते हैं। अब मगरिब का वक्त हुआ तो कहा कि सुनिए ना ये वाला हमसे नहीं होगा, कहा कि तुम जोहर पढ़ाए असर पढ़ाए मगरिब भी तुमको पढ़ाना। अब मजबूरन क्या करते बेचारा, जब दो टाइम पढ़ा चुका था, कहा चलो देखते। अब मगरिब पढ़ाना शुरू कर दिया, इत्तेफाक से क़िरात में कुछ गलती हो गई, गलती हो गई, सजदे में गया तो सजदे में सोचने लगा कि जो गलती हमसे हुई है इसके वजह से सजदे सहव वाजिब हुआ है या नहीं हुआ, सजदे सहव वाजिब हुआ या नहीं हुआ, मसला मालूम नहीं था। सोचता रहा क्या करे, सजदा करे कि नहीं करे, सोचने लगा कि अगर सजदे सहव वाजिब नहीं हुआ है और सजदा कर देंगे तो बाद में लोग पूछेगा कि तू काहे सजदा कर दी, और अगर सजदे सहव वाजिब है और नहीं करेंगे तो फिर बाद में इस पर भी गिरफ्त होगी कि तुमने क्यों नहीं किया। इसी सोच में था तो मस्जिद के सामने, बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमाम साहब के आने के लिए रास्ता सामने से रहता है, तो उनके दिमाग में जब कोई फैसला नहीं आया तो सजदे से उठा और गेट खुला और बाहर चला। अब लोग देख रहे हैं सुभान रब्बी अला, पांच मरतबा हो गया, सात मरतबा हो गया, नौ मरतबा हो गया, ग्यारह मरतबा हो गया, तेरह मरतबा हो गया, तकबीरें नहीं हो रही। तो उसमें एक आदमी जो आगे बैठा हुआ था कहा कि लगता है जरा देखे तो सर उठा करके देखा, देखा इमाम साहब, देखा इमाम साहब गायब है। तब आवाज दिया कि सुनो फजर तक के सजदे में रहोगे तकबीर नहीं होगी। हाँ माशाल्लाह, ये तो नौजवानों का तबका है। बस आखिरी बात जो मैं कह रहा था, मस्जिद नबी की तामीर, जरा तवज्जो से सुन लीजिए, आका मस्जिद नबी की तामीर का जब हुक्म दिए तो जो उस दौर में सहाबा मौजूद थे, सहाबा बनफ्से नफीस पत्थर उठाने लगे। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त मजदूर नहीं थे, आज तो मजदूर हैं। शकील साहब खड़े हो जाते हैं और मजदूर काम कर मजदूर से काम ले रहे हैं। आज तो माशाल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि काफी तादाद में हमारी माएं और बहनें भी आज के इस जलसे में हैं। अभी हमारे असद आजमी साहब, अभी तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ उनके इसमें बाकी है, अभी उनके खतियान में बहुत कुछ बाकी है, अभी वो पढ़ेंगे। माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, कोई अपनी जगह से ना हिले, आप अपनी जगह पर बैठे रहे, ज्यादा देर नहीं। आज आपको जितनी देर यहाँ पर मौका मिला है, आप दीन की मोहब्बत में दीन की बात सुनने के लिए अपनी जगह पर कायम रहे। आपके लिए बहुत काम की एक बात मैं कहूंगा, लेकिन पांच मिनट के बाद। तो मस्जिद नबवी की तामीर के मौके पर सहाबा इकराम खुद तामीर में शरीक है, और सुनिए हम सब के आका, दो जहां के सरदार, वजह तखलीक कायनात, जिनके सदके में ये कायनात वजूद में आई, आका बनफ्से नफीस मस्जिद नबी की तामीर में शरीक है। आका खुद पत्थर उठा करके और आका मस्जिद नबी की तामीर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सहाबा जो आपके आशिक थे, सहाबा इकराम जो आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने थे, वो आगे बढ़ते, ए मेरे आका आप पत्थर क्यों उठा रहे हैं? आका मैं इस काम को अंजाम दूं,
आका फरमाते कि नहीं, तुम्हें अजर की जरूरत है, मुझे भी अजर की जरूरत है, इसलिए ये पत्थर मुझे ले जाने दो। आका खुद बनफ्से नफीस पत्थर उठाकर मस्जिद नबी की तामीर फरमा रहे हैं। और एक सहाबी है हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला, सब सहाबी एक पत्थर उठा रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला दो पत्थर उठाकर लेकर जा रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला उनसे फरमाते हैं, अम्मार आप दो पत्थर क्यों लेकर के जा रहे हैं, दो पत्थर लेकर क्यों जा रहे हैं, एक ही पत्थर उठा लेते। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला जिनकी तारीख इस तारीख इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम के खातिर जिनका खून बहा है, यही वो जलीलुल कद्र सहाबी है हजरत अम्मार, जिनकी वालिदा थी हजरत सुमैया। ए मेरी मां बहनों सुनिए, इस तारीख इस्लाम में इस्लाम के खातिर इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी का खून बहा है तो वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, यही हजरत अम्मार की वालिदा है। हजरत अम्मार जब दो पत्थर लेकर के जा रहे हैं और आका पूछते हैं अम्मार एक पत्थर लेकर के क्यों नहीं जाते, अर्ज करते हैं ऐ मेरे हबीब एक पत्थर अपनी तरफ से, अरे मेरे आका एक पत्थर आपकी तरफ से, एक पत्थर अपनी तरफ से, एक पत्थर आपके तरफ से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मस्जिद में तामीर में हिस्सा लेने वाले इलाके के तमाम जिम्मेदार लोगों, ये एक जुमला मेरा काफी है आपके जज्बात को बेदार करने के लिए। जब हजरत अम्मार दो पत्थर उठाकर ले जा रहे थे, हजरत अम्मार के चेहरे के ऊपर गर्द गुबार पड़ा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता मुबारक अपना जुब्बा मुबारक से हजरत अम्मार के जिस्म पर हजरत अम्मार के चेहरे पर जो धूल पड़ा था, आका अपने कुर्ता से हजरत अम्मार के चेहरे के धूल को साफ कर देते हैं। कयामत तक आने वाले मस्जिद में काम करने वाले, मस्जिद की तामीर में पैसा लुटाने वाले, मस्जिद में हिस्सा लेने वाले, आका का अमल देखिए, हजरत अम्मार जो पत्थर उठाकर ले जा रहे थे आका ने अपने कुर्ता मुबारक से उनके पर उनके चेहरे और उनके जिस्म से आपने धूल को साफ कर दिया। और यही वो मस्जिद नबी है। ए मेरी माँ बहनों आपसे मुतालिक बात कहकर के बात को खत्म करता हूं। जहां एक बुढ़िया थी जो झाड़ू लगाया करती थी, रात को आती थी झाड़ू लगा देती थी, कभी पानी का पटका मटका ला करके और मस्जिद में रख देती थी। अल्लाह अल्लाह जब उस बुढ़िया का इंतकाल हो गया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बताया नहीं, कई दिन गुजर गए और सहाबा ने बताया नहीं। चंद दिनों के बाद एक रोज आका ने सहाबा से पूछ लिया, वो बुढ़िया कहाँ है जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, जो मस्जिद में मटका पानी का उठाकर लाती थी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल उनका इंतकाल हो गया, आका उनका इंतकाल हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंतकाल हुआ तो तुमने मुझे क्यों नहीं खबर दी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मुझे चल करके बताओ, उनके कब्र पे मुझे लेकर के चलो। आका सहाबा को लेकर के जाते हैं उस बुढ़िया के कब्र पर, एक रिवायत के मुताबिक गायबाना आका उसके जनाजे की नमाज भी अदा फरमाते हैं और एक रिवायत के मुताबिक आका उस बुढ़िया के कब्र पे खड़े होकर के दुआ फरमाते हैं। ए मेरी माँ और बहनों मस्जिद की तामीर में अपने गले का हार पेश करने वाली माँ, मस्जिद की तामीर में अपने काम का झूमर पेश करने वाली माँ, मस्जिद की तामीर में अपने पांव का पाजेब पेश करने वाली मेरी बहनों सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की झाड़ू लगाने वाली उस सियाफाम औरत के कब्र पे खड़े होकर के आका